सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर में। साथियों, आज इस वीडियो में हम 16 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक की भरी हुई डायरी देखेंगे। हम जिस पैटर्न पर डायरी भरते हुए आ रहे हैं उसी पैटर्न पर भरी हुई डायरी देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, क्लास एक और दो के लिए टॉपिक हैं च, छ, ज, झ और य अक्षरों को लिखना। तो लर्निंग आउटकम आप यहाँ पर लिखेंगे, इन अक्षरों को पहचान लेते हैं और लिख लेते हैं। दूसरा टॉपिक है गेंद और बल्ले की कहानी। लर्निंग आउटकम सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बच्चों को वीडियो दिखाएंगे और इन अक्षरों को बनाना सिखाएंगे। यहाँ पर गतिविधि भी लिख सकते हैं, बिंदुओं को जोड़ो और अक्षर बनाओ। जैसे मैंने च और छ को लिखा है तो आप इस तरीके से लिखकर बच्चों को अभ्यास कराएंगे। बच्चों की कॉपी में इस तरीके से लिखेंगे जिससे कि बच्चा इन अक्षरों को बनाना सीख जाएंगे। गृह कार्य में आप लिखेंगे, बच्चों को इन अक्षरों को बनाने का अभ्यास कराएंगे। अब ये देखते हैं, 19 तारीख को गुरुवार को जो टॉपिक है वो गणित का टॉपिक है जिसका नाम है वस्तुओं के समूहों की तुलना करना। तो यहाँ पर लर्निंग आउटकम आप लिखेंगे, वस्तुओं के समूह बना लेते हैं और उनकी संख्या की तुलना कर लेते हैं। बड़ा, छोटा और बराबर आदि को जानते हैं। दूसरा टॉपिक है वस्तुओं और संख्याओं की तुलना करना। संख्याओं को जानते हैं, संख्याओं की बराबर वस्तुओं को गिन लेते हैं। अब यहाँ पर आप लिखेंगे, बच्चों को वीडियो दिखाएंगे और समझने को कहेंगे। अब बच्चों को समान वस्तुओं के समूह बनाना सिखाएंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तीन चार तरह की पत्तियां ले सकते हैं और वे पत्तियां बच्चों को देकर उनमें समान पत्तियों के समूह बनाने के लिए बच्चों से कह सकते हैं। तो आप इस तरीके से यहां पर लिखेंगे। अब हम आगे देखते हैं। अब ये देखिए, क्लास थर्ड के लिए टॉपिक है मालिका का। सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना और पेड़ पौधों का महत्व समझते हैं। क्रियान्वयन में आप क्या लिखेंगे, बच्चों को वीडियो दिखाएंगे और कहानी सुनाएंगे और कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न भी पूछेंगे। जैसे पेड़ कौन लगा रहा था, पेड़ किसका था, पेड़ पर कितने वर्ष बाद फल लगने वाला था। गृह कार्य आपके अनुसार इस कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है, आप इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। अब ये देखिए, गणित का टॉपिक है दो अंकों का घटाव हासिल के साथ। लर्निंग आउटकम हासिल के साथ दो संख्याओं को घटा लेते हैं। वी लर्न इंग्लिश एपिसोड 65 और DDUP पे कोई एपिसोड नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे। बच्चों को वीडियो दिखाएंगे और समझने को कहेंगे। बच्चों को एक प्रश्न की सहायता से घटाना सिखाएंगे। बच्चों, अगर आपके पास 32 चॉकलेट हैं और आपने इनमें से 10 चॉकलेट खा ली तो आपके पास कितनी चॉकलेट बचेंगी। तो आप इस प्रश्न को बच्चों को हल करके दिखाएंगे। तो आप इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे। अब ये देखिए, क्लास 5 का हिंदी का टॉपिक है लट्टू। लर्निंग आउटकम किसी सुनी हुई कहानी को अपने शब्दों में सुना लेते हैं। वी लर्न इंग्लिश एपिसोड 64 और DDUP पे कोई टॉपिक नहीं आया है तो आप नहीं लिखेंगे। बच्चों को वीडियो दिखाएंगे और कहानी सुनाएंगे। कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न भी पूछेंगे। जैसे कहानी में बच्चे का क्या नाम है, डमडम का क्या खो गया था, दादी कहाँ घूमने गई थी, डमडम ने अपना लट्टू कहाँ ढूंढा। और गृह कार्य, अगर आपके कोई चीज़ खो जाती है तो आपको कैसा लगता है, ये लिखेंगे आप। बच्चों को रीड एलोंग ऐप पर कहानी पढ़वाएंगे, आप इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। अब ये देखिए, गणित का टॉपिक है इसी संख्या को 10 व 10 के गुणज से गुणा करना। लर्निंग आउटकम किसी संख्या के गुणज को जानते हैं और 10 के गुणज से किसी भी संख्या को गुणा कर लेते हैं। आप लर्निंग आउटकम इस तरीके से लिखेंगे। पिछले भाग की पुनरावृत्ति के साथ पाठ को शुरू करेंगे। 10 के गुणज बताओ, क्या संख्या 210 10 का गुणज है। अब बच्चों को गुणा करना सिखाएंगे। तो आप इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। इस PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे और अपनी डायरी लिख लेंगे। अब ये देखिए, क्लास 6, 7, 8 के लिए टॉपिक है मानचित्रण। ये क्लास 6 का टॉपिक है।
मानचित्र को पढ़ लेते हैं और मानचित्र पर चीज़ों को दर्शा लेते हैं। क्लास 7 के लिए टॉपिक है धरातल के रूप बदलने वाले कारक, अपक्षय एवं अपरदन और निक्षेपण के बारे में जानते हैं। अगला टॉपिक है क्लास 8 का भारत कृषि एवं सिंचाई, कृषि के बारे में जानते हैं और फसलों के बारे में भी जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप बच्चों को दीक्षा ऐप पर उपलब्ध वीडियो दिखाएंगे और मानचित्र को समझाएंगे। बच्चों को मानचित्र पर दिशाओं के बारे में समझाएंगे, बच्चों को भारत के मानचित्र को समझाएंगे। गृह कार्य, कल सभी बच्चे भारत के मानचित्र पर उसके पड़ोसी देशों के नाम लिखकर लाएंगे। आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर विज्ञान के टॉपिक है क्लास 6, 7, 8 के जीवों में अनुकूलन, विभिन्न जीव जंतुओं के बारे में जानते हैं और जीवों के लिए अनुकूलित वातावरण के बारे में भी जानते हैं। क्लास 7 का टॉपिक है ध्वनि, ध्वनि की कंपन, तरंगे व ध्वनि के प्रकार जानते हैं। जंतुओं में जनन, जीव जंतुओं में जनन के बारे में जानते हैं। आप इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे बच्चों को दीक्षा ऐप पर उपलब्ध वीडियो दिखाएंगे, बच्चों को जीवों के लिए अनुकूलित वातावरण कौन सा है समझाएंगे, जैसे ऊँट रेगिस्तान में ही क्यों रहता है, मछली पानी में क्यों रहती है, गृह कार्य जल में रहने वाले सभी जीवों के नाम लिखो। बच्चों को दीक्षा ऐप पर उपलब्ध वीडियो दिखाएंगे और बच्चों को ध्वनि की उत्पत्ति, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बारे में बताएंगे। तो आप इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो, 20 तारीख को छुट्टी है तो आप यहाँ पर 21 तारीख की डायरी लिखेंगे, लेकिन टॉपिक आपको 2 दिन वाले कवर करने हैं एक दिन में ही, क्योंकि बच्चों को हमें इन टॉपिक को कवर करना है, बच्चों को पढ़ाना है। अब ये देखिए, पानी के उपयोग, लर्निंग आउटकम पानी के उपयोग जानते हैं और मौखिक अभिव्यक्ति कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वी लर्न इंग्लिश एपिसोड 66। अब यहाँ पर आप कहेंगे बच्चों को वीडियो दिखाएंगे और समझने को कहेंगे। अब बच्चों को वीडियो में बताए गए पानी के 5 उपयोग समझाएंगे, जैसे पेड़ों में पानी देना, पानी से कपड़े धुलना आदि। गृह कार्य, कल सभी बच्चे पानी के 5 उपयोग बताएंगे। बच्चों को रीड एलोंग ऐप पर कहानी पढ़वाएंगे। आप इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। कुछ बच्चे बोल नहीं रहे हैं, उनके साथ अलग से कार्य करने की आवश्यकता है। अब ये देखिए, 21 तारीख को ही आप दूसरा टॉपिक लिखेंगे। हिंदी के टॉपिक हैं च छ ज झ य अक्षरों के साथ वस्तुओं को आकर्षक रंग देना। तो लर्निंग आउटकम, इन अक्षरों को जानते हैं और लिख लेते हैं। दूसरा टॉपिक है कक्षा के चित्र के बारे में बातचीत करना। लर्निंग आउटकम, किसी भी चित्र के बारे में बातचीत करते हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पर लर्निंग आउटकम लिखेंगे और बच्चों को वीडियो दिखाएंगे, इन अक्षरों से बनी वस्तुओं के बारे में बच्चों को बताएंगे। अब ये देखिए, क्लास 6, 7, 8 के लिए इंग्लिश की डायरी है। क्लास 6 के लिए टॉपिक है द ऑनेस्ट वुड कटर, लर्निंग आउटकम अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड स्पीक सिंपल सेंटेंस इन इंग्लिश। क्लास 7 के लिए टॉपिक है द रेस्पॉन्सिबल किंग, लर्निंग आउटकम अंडरस्टैंड मोरल वैल्यूज। और क्लास 8 के लिए टॉपिक है वीर अब्दुल हमीद, अंडरस्टैंड अबाउट ब्रेव इंडियन सोल्जर्स। वीडियो विल बी शोन टू द स्टूडेंट्स ऑन दीक्षा ऐप एंड एक्सप्लेन द चैप्टर इन हिंदी एंड एक्सप्लेन डिफिकल्ट वर्ड्स। आप इस तरीके से लिखेंगे, होमवर्क, राइट अबाउट द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। वी विल स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस इन आवर डेली लाइफ। आप यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। तो ये साथियों, आपको 20 तारीख के लिए डायरी नहीं लिखनी है। जो टॉपिक्स आपको 20 तारीख को कवर करने थे उन्हें आप 21 तारीख में कवर करेंगे, क्योंकि छुट्टी से मतलब ये नहीं है कि बच्चों को हमें उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ाना है, बच्चों को हमें सारे टॉपिक्स पढ़ाने हैं। तो आप जो 20 तारीख को टॉपिक्स बच्चों को आप पढ़ाने वाले थे उन्हें अब आप 21 तारीख को ही पढ़ाएंगे। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और भी शिक्षक साथी इसका लाभ ले सकें। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज छोड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लें। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।